हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 37A के लॉ भवन में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के वेब पोर्टल का अनावरण किया और न्यायमूर्ति एसएन अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक नामता नेहरूज हिमालयन ब्लंडर्स का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है और अब पाकिस्तान का दखल अंदाजी इसमें नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में पाक अधिकृत कश्मीर की क्या स्थिति रहेगी ये आगे देखा जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में स्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए हमें धैर्य से चलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने न्यायमूर्ति एसएन अग्रवाल को इस नई पुस्तक के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को बार काउंसिल की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। मैं सबसे पहले जस्टिस एसएन अग्रवाल को बधाई दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा कि इन्होंने इतिहास के उन पन्नों को अपनी पुस्तक में संजोया है, लिखा है, जो हम सबके लिए भी ज्ञानवर्धक है और आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छी जानकारी मिलेगी। नेहरू हिमालयन ब्लंडर, तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के सारे उस विषय को लेकर के देश जब आज़ाद हुआ उस समय जम्मू कश्मीर को देश के अंदर विलय करने का काम पंडित नेहरू के जब लगाया गया था, लेकिन उसमें बहुत गलतियां हुई और ख़ास करके सबसे बड़ा विषय जो धारा 370 संविधान के अंदर जोड़ी गई और जिसके कारण से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जो आतंकवाद का बहुत बड़ा कारण बना, और उसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है कि क्या क्या गलतियां हुई, और मैं समझता हूं कि उन गलतियों का निदान भी कुछ ना कुछ होगा ही और सारी समस्या अब प्राय समाप्ति की ओर।